noodles it unde. Question to tadan ghelo che ghelo. Noodles nahi, anguthi. Wait, anguthi dhundni hai. Aja aja jaane man. Mobile ka naam jaane man. नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, सैफ जी, वड़कम, आदाब अर्ज़े, आइए, वेलकम प्लीज, मीट माय हस्बैंड मयूर बंसीवाल एंड माय डॉटर लेकिशा मिस्त्री बंसीवाल. अभी तक मैं टीवी के जरिए आपके घर पे आती थी, अभी आप सब टीवी के जरिए मेरे घर को देख रहे हैं. मुंबई आए हुए मुझे हम लोगों को 10 साल हो गए हैं. 2004 में हम मुंबई आए थे एंड पवई हीरानंदानी गार्डन्स में रहती हूँ मैं. तब से जो पवई में आके थोड़े दिन रहे फिर यहीं बस गए. अभी यहाँ के सिवाय कोई और जगह अच्छी नहीं लगती. आई होप आपको मेरा घर पसंद आए. बहुत कलरफुल है. जो भी घर में आता है वो यही बोलता है बाप रे इतना कलरफुल घर. मतलब उसको समझ में आ जाता है ओके जेनिफर का घर है. कलर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं. कुछ कलर्स पसंद हैं पर काफ़ी बार इसको घर में एक बार पेंट हुआ देन पेंटर ने भी इवन सजेस्ट किया कि नहीं चेंज करना चाहिए कुछ कलर्स. तो वापस चेंज किया था पर देन फाइनली जो व्हाट हैज़ कम आउट वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. इवन मेरे नेल पॉलिश सब अलग अलग कलर के हैं तो ऐसी मेरे घर में भी आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिलेंगे क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस है. नहीं बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज टाइप का तो नहीं होता फिर बस एक्सेप्ट फॉर दैट वॉल जो थोड़ी सी डार्क है पर क्योंकि टीवी के लिए वहाँ ज़रूरत था इसीलिए उसको थोड़ा सा डार्क करके रखा हुआ है. अदरवाइज मुझे लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद है जो कि इस रूम में नहीं बाकी रूम्स में भी वैसे ही कलर्स हैं. आइए तो सबसे पहले मैं आपको मेरे घर की एंट्रेंस के बारे में बताती हूँ. आपने एंट्रेंस पे तो देखा ही होगा गणपति की मूर्ति लगी हुई है और स्वास्तिक लगा हुआ है और यहाँ दरवाजे पे भी मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड हिंदू हैं तो गणपति की मूर्ति और मैं पारसी हूँ तो हमारे जो पारसी सिंबल है अशोक अरोहर और सोल्जर्स इनको लगाया हुआ है. ये हमारा जो है वॉल का कलर एकदम बाकी सब लाइट पिंक है फिर ये डार्क पिंक है. इसमें ये आप देख सकते हैं ये कोलाज है. मेरी हमारी शादी को 13 साल होने वाले हैं और 10 साल जब हुए थे तब मैंने उनको ये हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब 10 साल तक के जो भी फोटोग्राफ्स हैं उसका कोलाज बना के सर्व किया. साउथ कॉर्नर है एंड जितना मुझे बताया गया है कि लाइक उस तरफ रेड का काफ़ी यूज़ होता है तो मैंने ट्राई किया यहाँ तो काफ़ी सारी रेड चीज़ें रखूँ. वास्तु एंड फेंगशुई में काफ़ी मैं बिलीव करती हूँ तो ये जैसे विंड चाइम है एक तो कोई आता है तो पता भी चल जाता है ना चोरी से अगर हस्बैंड कहीं जा रहे हों तो पता चल जाएगा ऐसा सब चीज़ें तो इसके लिए मैंने लगा के रखा है. जस्ट किडिंग इट्स लाइक ये अच्छा रहता है जैसे इसकी आवाज़ आती रहती है अच्छा है फेंग शुई के लिए. ये कुछ कुछ वास्तु एंड एवरीथिंग ये किसी नज़र लगने का ये सब कुछ किसी किसी ने कुछ कुछ दिया है तो ये लगाया हुआ है. आइए अंदर तरफ दिखा और ये आप देख सकते हैं हमारी बैठक है जो हिंदुस्तानी है तो यू नो ज़मीन पे रहना चाहिए. मजाक कर रही हूँ मतलब ये हम लोग को हिंदुस्तानी तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है किसी को नीचे बैठना अच्छा लगता है और ख़ास करके हम लोग भी जब भी टीवी देखते हैं कुछ तो आराम से यहाँ लेटते हुए आप अपना टीवी देख सकते हैं. और थोड़ा सा घर मतलब ऐसा थोड़ा अच्छा सजा रहे तो अच्छा लगता है तो ये काफ़ी हमें जो कलर के पर्दे लगाती हूँ इन वो कलर के
टेबल मैट्स एंड ऑल आई ट्राई के वैसे काफ़ी सारे टेबल मैट्स वो चेंज करके थोड़ा सा खाना स्वादिष्ट होना हो, खाने की जगह तो अच्छी दिखे तो खाना के जो खामियां है ना वो हट जाती हैं। एंड ये जो कॉर्नर है, मुझे लाइट्स का भी काफ़ी शौक है, ऐसे बहुत महंगी ऐसे कुछ तो लाइट्स नहीं है लेकिन नॉर्मल बेल है, उसको मैंने गोल्डन पेंट करा दिया बिकॉज यहाँ इस तरफ मैंने थोड़ा गोल्डन गोल्डन रखा हुआ है। ये जो मूर्ति है मेरे नंदोई जी जो है उन्होंने हमको आई थिंक झांसी से दिलाई थी, उसको भी मैंने गोल्डन पेंट किया हुआ है। ये एक मेरी फ़ैन है, बहुत बहुत प्यारी फ़ैन है, उसने मुझे भेजा था, सोमिता मुखर्जी। ये जो है वाटर फाउंटेन है, नॉर्थ कॉर्नर में वाटर फाउंटेन रखने के लिए बोला था। ये जो लाइट्स हैं हमने जैसलमेर से ली थी और हम दोनों को बहुत पसंद आई थी, हम लोग बाहर आ गए थे, किले के अंदर गए थे, वहाँ ये लाइट्स थी, मशाल के शेप की हैं। एंड इधर पे ये हमारे धार्मिक सिंबल्स का है, जैसे ये गणपति हैं, ये ओम है, और ये जो है हमारे पारसी सिंबल है जिसको बोलते हैं अफरगानियों, आप जानते होंगे पारसीज में फायर अग्नि को बहुत मानना जाता है। और ये जो है ये क्रिस्टल है फेंग शुई का, किसी ने कभी बताया था तो टांगा हुआ है, अच्छा लगता है इसलिए टांग दिया है, आई होप कुछ वर्क कर रहा हो। आइए अंदर देखते हैं।